हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरा नाम कैप्टन इरफान है और मैं आप सभी को अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक तो आपने थंबनेल पे देख लिए होंगे और ये खासकर बिगनर्स के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लड़के 12th कंप्लीट किए हैं या 10th कंप्लीट किए हैं और वो सोच रहे हैं कि मर्चेंट नेवी में वो किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, तो ये खासकर उन लोगों के लिए है। तो वो ये वीडियो ज़रूर देखिए, ये बहुत ही आसान तरीके से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़, बिना किसी एजेंट के चक्कर में पड़ के आप किसी भी एजेंट के पास में मत जाइए। डायरेक्टली आपको मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे शिप पे जाने के लिए। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सारा वीडियो देखिएगा। लास्ट में अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट में आप ज़रूर लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ओपन सीडीसी के बारे में। ओपन सीडीसी बहुत ही आसान तरीका गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, जिसकी एज थोड़ी अबव हो गई है या वो जीपी रेटिंग नहीं कर पा रहे हैं या डेक कैडेट कोर्स नहीं कर पा रहे हैं या जो एक्स नेवी हैं उनके लिए। तो ये उन लोग के लिए है जो आसानी से कम टाइम में एलिजिबल हो जाएंगे मर्चेंट नेवी की शिप पे सेल करने के लिए। अब शिप पे सेल करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मोटे तौर पे आप समझ जाइए। जैसे कि ये आपकी शिप है, तो अभी शिप पे जाने से पहले आपको चाहिए सबसे पहला पासपोर्ट। ठीक है दोस्तों, पासपोर्ट आपको कहीं पर भी आप जाएंगे तो पासपोर्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। दूसरा होता है सीडीसी, और तीसरा सीडीसी पाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब समझ जाइए, पासपोर्ट, सीडीसी, डॉक्यूमेंट्स, ये तीन चीज़ आपकी होनी ज़रूरी है। अब आपको ये जो चीज़ है सबसे मेन है ये सीडीसी, ये आपको कहाँ से मिलेगी। अभी जैसे कि जो लोग मर्चेंट नेवी में आते हैं वो पहले ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद में एकेडमी में, तो उनको एकेडमी सीडीसी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा प्रोवाइड कराती है और वो मतलब एलिजिबल हो जाते हैं कि शिप पे जाने के लिए। अब आपको सीडीसी कैसे मिलेगी, तो सबसे सिंपल तरीका है आप नेट के ऊपर में जाइए। नेट पे जाने के बाद में आप एकेडमी का नाम चूज़ कर लीजिए, चेक करिए कि आपको कौन से स्टेट में मर्चेंट नेवी की एकेडमी है। आप उधर जाइए और उधर आप सिर्फ दो चीज़ के बारे में पूछिए, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए रहेंगे सिर्फ दो चीज़ के बारे में। पहला हो गया STCW कोर्स, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होगा एक कोर्स है STSDS। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो कोर्स आपको करने पड़ेंगे। एकेडमी में जाइए, उनसे ये दो कोर्स के बारे में पूछिए कि सर मेरे को STCW कोर्स करने हैं और STSD कोर्स ये करने हैं। ये बहुत ही कम टाइम में आपको ये बेसिक कोर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब इससे पहले दोस्तों, अब आप जान लीजिए, इससे पहले एकेडमी में आप बात करके रखिए कि सर मेरे को इंडोर्स भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये इंडोर्स क्या होता है, अब जो फ्रेशर हैं, बिगनर्स हैं, उनको ये नहीं पता है कि इंडोर्स क्या होता है। इंडोर्स एक ऐसा नंबर है, जैसे कि आपको पासपोर्ट पे एक नंबर मिलता है XYZ कुछ भी आपको रहता है, तो उसी तरीके से एक इंडोर्स होता है। इंडोर्स वो चीज़ होता है जो DG शिपिंग की वेबसाइट पे आप इंडोर्स नंबर आप डालेंगे तो सारी डिटेल्स आपकी बता देगा कि आपकी जन्म कुंडली, जिसको बोलते हैं ना कि आपने ये कोर्स किया है, आपने वो कोर्स किया है, आपका ये रैंक है, और CDC के बारे में सारा चीज़, आप जो भी कोर्स वगैरह करेंगे वो सब इसमें इंक्लूड होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला आपको ये इंडोर्स नंबर के बाद में फिर आपको STCW कोर्स और STSDS, ये दो कोर्स आपको करने पड़ेंगे। ये दो कोर्स करने के बाद में जब आपके पास में ये कोर्स आ जाएगा, उसके बाद में आपको असेसमेंट का एग्ज़ाम दे, असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा। अब असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट होता है जैसे कि आप एक वेबसाइट है, जैसे इधर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, एक वेबसाइट है www.dgshipping.gov.in। ठीक है, www.dgshipping.gov.in पे आप इस पे जाइएगा, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे आपको असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा। असेसमेंट के बाद में
सिंपल सा वही चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, आप बस कंप्यूटर पर बैठे रहिए और किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं और आपको ये जैसे कोई बोलता है कि मैं आपको ओपन सीडीसी मतलब दिला दूंगा, ओपन सीडीसी मैं आपको दे दूंगा, मेरे को 35,000 दे दीजिए, 40,000 दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, उसके चक्कर में मत पड़िए। जो सीडीसी की फ़ीस है, जो ये डीजी शिपिंग ने सीडीसी की फ़ीस रखी है, वो सिर्फ 700 रुपीज़ है। सिर्फ आपको 700 रुपये खर्चा करना है, सीडीसी आपको ये हाथ में आ जाएगी। अब ये कोर्स आपको समझ लीजिए, जैसे आपने ये कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपने डीजी शिपिंग के ऊपर में जाके अपना असेसमेंट क्लियर कीजिए। अपना असेसमेंट क्लियर करने के बाद में आपको सिंपल सा एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वही चीज़ें जो आपको इसमें बताया जाता है, वही चीज़ आपको एग्जिट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, एग्जिट एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडोस नंबर पे आपके ये जो बेसिक कोर्स है एसटीसी, ये एसटी एसडी एसडी जो कोर्स है ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में आपको सिर्फ इसी साइट पे आके, जो ये वेबसाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वेबसाइट के ऊपर में आके आपको सीडीसी के लिए अप्लाई करना है और इसमें किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। और सिंपल सा सिर्फ आपको एक महीने के अंदर में आपके पास में सीडीसी आ जाएगी और आप एलिजिबल रहेंगे शिप पे जाने के लिए। और उसके बाद में फिर जैसे ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी भी ऑफिस में जाके आप अपना रिज्यूम डालिए, अपना सीवी सेंड कीजिए, इंटरव्यू दीजिए और वो आपको अगर वैकेंसी रहेगी तो डेफिनेटली आपको बुलाएंगी। और होप करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस अगर मैं इसमें कुछ भूल गया हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। पर एक चीज़ मैं और अभी फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप इजीली एक महीने के अंदर में आपके हाथ में सीडीसी कैसे आ जाएगी। आप कोर्स कीजिए, कोर्स करने के बाद में फिर आप सीडीसी के लिए अप्लाई कीजिए, एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, सिंपल सा आपके घर पर होम डिलीवरी हो जाएगा। तो होप करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।